एक एक वोट सेंटर का बटन दबा के आदरणीय नेता जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आप सब करें। हमारे युवा साथी, हमारे समाजवादी पार्टी के नेतागण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सब यहाँ पे आए हैं। मैनपुरी का उपचुनाव होने जा रहा है और यह पहला उपचुनाव है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है, और मेरा मानना है कि मैनपुरी जहाँ नेताजी की कर्मभूमि रही है, जहाँ नेताजी ने कई विकास कार्य कराए हैं, जहाँ नेताजी सबको साथ लेके आगे बढ़े हैं, सबका सम्मान बढ़ाने का काम किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैनपुरी की जनता आने वाले चुनाव में, जो चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, जो नेताजी का चुनाव है और आप सबका चुनाव है, इस क्षेत्र से नेताजी का भावात्मक जुड़ाव रहा है। मैनपुरी नेताजी के हृदय में बसती थी, यहाँ के लोग, और उन्होंने कोशिश करी कि वो ज्यादा से ज्यादा विकास काम यहाँ कराए, और उन्हें कराया भी है। हम लोग जितनी भी सड़कें देख रहे हैं और जो भी मैनपुरी में काम हुआ है, और मुझे लगता है कि पिछले 6 सालों में एक पैसे का भी नया काम यहाँ पे नहीं हुआ है इस क्षेत्र में। समाजवादी पार्टी की विचारधारा और सिद्धांत रहा है कि वो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करने का काम किया है, सड़कें जो गांव को गांव से जोड़ सके, जो शहरों को जोड़ सके, जिलों को जिलों से जोड़ सके, विधानसभाओं को विधानसभाओं से जोड़ सके, यह